Student, today we see the problem which is based on Boolean laws and De Morgan's theorem. Okay, so first problem we see, that is A plus AB plus A bar B is equals to A plus B. ये आपका first problem है. इसमें आपको left hand side is equals to right hand side जो है आपको सिंप्लीफाई या फिर प्रूफ करनी पड़ती है. तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख ले रही हूँ, दैट इज ए प्लस ए बी प्लस ए बार बी. ओके, सबसे पहले आपको क्या देखना है, किसी टर्म से कॉमन निकल रहा है या नहीं, या फिर कॉमन निकलने के बाद भी आपके बुलियंस लॉ लग रहे हैं क्या. तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे ए कॉमन निकल सकता है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले यहाँ पे बी कॉमन निकाल रही हूँ. तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस ए बार. तो आपको बुलियन लॉ पता है, ए प्लस ए बार क्या आता है आपका, दैट इज वन. ओके, सो मैं क्या कर रही हूँ, ए यहाँ पे वैसे ही लिख रही हूँ. ओके, और यहाँ से मैं बी कॉमन निकालती हूँ, तो ए प्लस ए बार. ओके, बाद में आपको पता है रूल, यहाँ पे क्या रहेगा, ए प्लस ए बार इज इक्वल्स टू क्या आता है, वन आता है. इसलिए मैं इसके जगह पे क्या लिखूंगी, वन लिखूंगी. ठीक है, तो लास्ट में आंसर क्या आ रहा है अपना, ए प्लस बी. यस, सो इट इज द राइट हैंड साइड. तो प्रूफ हो गया है, दैट इज ए प्लस ए बी प्लस ए बार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, जो आपको प्रूफ करना था. ठीक है, तो आपको ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, और आपको जब तक बुलियन लॉज रूल्स आपके लर्न या फिर आपको याद नहीं हो जाते, तब तक ये प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व नहीं होगी. ओके, सो सबसे पहले आपको बुलियन लॉज अच्छे से रूल जो है याद होने चाहिए, और डी मॉर्गन्स थ्योरम भी याद होने चाहिए. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे. ओके, तो सेकंड प्रॉब्लम देखो. सेकंड प्रॉब्लम है आपका वाई इज इक्वल्स टू, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ए ए बार प्लस सी देन ए बार बी प्लस सी बार. ओके, इसको प्रूफ करना था, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. मीन्स जितने आपके कॉम्प्रेस होके वैल्यू आएगी, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, आपके ब्रैकेट फॉर्म में है, तो मैं एक बार क्या कर ली, तो इसको पहले ए को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी. ओके, सो ए को इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो क्या आएगा, ए ए बार प्लस ए सी. ओके, और ये ब्रैकेट मैंने जैसे कि वैसे ही लिख रही हूँ, ए बार बी प्लस सी बार. ओके, अभी यहाँ पे तो कौन सा रूल नहीं लग रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे लग रहा है ए डॉट ए बार इज इक्वल्स टू जीरो आता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने जीरो लिख लिया है तो क्या बचेगा, सिर्फ ए सी बचेगा. ओके, तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख रही हूँ. तो सबसे पहले क्या करूँगी, ये जो है ए ए बार, ये ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई कर दूंगी. ओके, बाद में प्लस ए सी, ए सी को भी ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दूंगी. ठीक है, पहले ये इसको पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, बाद में ये इसको पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई. ओके, सो अभी क्या है, इसका मल्टीप्लीकेशन देखो, ए ए बार बी. ओके, बाद में ये अंदर ए ए बार सी बार. ओके, उसके बाद में इसको ए सी ए बार बी, इसको प्लस ए सी सी बार. ओके, अभी आपको रूल्स पता है, रूल्स क्या है आपके, बुलियंस लॉज, बुलियन लॉज है आपके, दैट इज ए ए बार इज इक्वल्स टू क्या आता है, जीरो आता है, एंड
सी सी बार इज इक्वल टू क्या आता है, जीरो आता है। तो जहां जहां पे आपको दिख रहा है ए बार और सी सी बार, वहां पे मैं क्या पुट करूंगी, जीरो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ओके, और यहाँ पे भी है ए बार। तो सभी टर्म्स क्या आएंगी, यहाँ पे जीरो आएगी। तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, तो आंसर आएगा वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर सिंप्लीफाई का। उसके बाद में एक लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे। लास्ट प्रॉब्लम है, देखो इसको, रिड्यूस द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग बुलियन लॉज, ऐसे हेडिंग में आता है। तो थर्ड प्रॉब्लम देखो, दैट इज वाई इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी प्लस ए बार बी बार। ओके, अगर ऐसे प्रॉब्लम हो तो क्या करना है आपको, फिर से मैंने बोला है अगर कॉमन में निकल रहा है तो कॉमन पहले निकाल लो। ओके, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं पेयरिंग बनाऊंगी, बाद में फिर कॉमन निकालूंगी, ठीक है। तो पेयरिंग कौन कौन सी बनेगी, देखो ए बार बी, ए सॉरी ए बी बार प्लस ए बी, ओके, ये पेयर बनेंगी इसके साथ। उसके बाद में ए बार बी ये, और ए बार बी बार। ऐसे क्यों किया मैंने, क्योंकि यहां से मैं ए निकाल सकती हूँ और यहां से मैं ए बार निकाल सकती हूँ, ठीक है। अगर लास्ट में आपके ए प्लस ए बार बचे तो आपको रूल पता है, दैट इज ए प्लस ए बार इट इज वन। ओके, सो मैंने यहां से जो है ए निकाल लिया है, बी बार प्लस बी प्लस यहाँ पे भी ए बार, तो बी बार सॉरी बी प्लस बी बार। तो यहाँ पे भी आपको रूल पता है, क्या रूल है, दैट इज बी प्लस बी बार इज इक्वल टू क्या आएगा, वन, ठीक है। आप कौन सा भी वेरिएबल कंसिडर कर सकते हो, ए प्लस ए बार भी कंसिडर कर सकते हो या फिर बी प्लस बी बार भी, तो वही आंसर आएगा। तो बी प्लस बी बार की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, अभी वन लिखूंगी। तो ए इंटू वन प्लस ए बार इंटू वन, तो लास्ट को क्या बचेगा, ए प्लस ए बार। अगेन रूल लगता है आपका, ए प्लस ए बार इज इक्वल टू वन। सो आपका जो रिड्यूस कॉम्प्रेशन फॉर्म जो है वो क्या आंसर आएगा, वाई इज इक्वल टू वन। ओके, सो ओके, इसी तरह आपको बाकी के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने विद द हेल्प ऑफ लॉज। थैंक यू।